ऐसे में एक और बड़ी खबर आप जानिए, दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी की दो दिवसीय बैठक होने है और माना यह जा रहा है कि मैराथन बैठक होगी, यानी आज शुरू होगी तो कल तक चलेगी। जेपी नड्डा इसमें रहेंगे, राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, बीजेपी के सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ शामिल होने वाले हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ये समीक्षा इस बैठक में होनी है। पांच राज्यों में जो चुनाव परिणाम रहे, तीन में प्रचंड बहुमत, दो में बीजेपी सरकार नहीं बना पाई, तो क्यों नहीं बना पाई ये रीजन भी तलाशे जाएंगे, इसकी भी समीक्षा होगी। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा की समीक्षा भी होगी। हजारों गांवों तक ऑलरेडी ये यात्रा पहुंच चुकी है, आगे कहां कहां पहुंचाई जानी है, कौन कौन सी योजनाओं का जिक्र इस संकल्प यात्रा में होना चाहिए, ये सभी बातें चर्चा का विषय रहने वाली हैं। बड़ी ये मीटिंग रहेगी और अब देश में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर खास तौर पर मंथन इसमें होगा। आज ये मीटिंग शुरू होगी तो कल शाम 4 बजे तक ये मीटिंग चलनी है। जेपी नड्डा खास तौर से उन नेताओं से मिलेंगे जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जानी है। इसमें जातीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा, साथ ही साथ इसमें उन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी जिनका फीडबैक बेहतर है, जिन्हें कुछ काम दिया गया और बेहतर तरीके से निभाया किया, ऐसे भी फीडबैक ध्यान में रखे जाएंगे और ऐसे ही चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 2024 को लेकर बीजेपी कोई भी यहाँ गुंजाइश छोड़ना चाहती नहीं है। जानकारी कुछ ऐसी भी मिल रही है कि जो बीजेपी की बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है, 2 दिन की ये बैठक होनी है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रह सकते हैं। एक तरफ विपक्ष गठबंधन जो कि अपनी तैयारियों को मजबूत करने की बात करता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम जब पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने आया तो खटपट वहां पर शुरू हो गई, और इधर बीजेपी है, बीजेपी जो ग्राउंड पर जाकर काम करने में यकीन रखती है, बीजेपी जो अलग अलग राज्यों से नेताओं को बुलाकर ये 2 दिन मंथन करना चाहती है दिल्ली में, बीजेपी मैराथन बैठक 3 बजे का वक्त था शुरू हो गई है, यह अभी का अपडेट है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं, बीजेपी के सभी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा, लेकिन साथ ही साथ चर्चा विधानसभा चुनावों के रिजल्ट को लेकर भी होगी, जो हाल ही में 3 तारीख और 4 तारीख को रिजल्ट हम सब ने देखे। 3 राज्यों में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना चुकी है, 2 राज्यों में जहां पर गुंजाइश बची, जहां पर बीजेपी बढ़ी तो जरूर लेकिन सरकार नहीं बना पाई, वहां भी क्या मेहनत करनी है, कौन से मुद्दे हैं जो इन 3 राज्यों में काम कर गए, यानी योजनाओं का प्रचार काम कर गया क्या, विपक्ष को आड़े हाथों लेना काम कर गया क्या, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना काम कर गया क्या, ये भी होमवर्क बीजेपी के जरिए किया जाएगा कि अगर इतने बेहतर रिजल्ट सामने आते हैं तो क्या उन्हीं मुद्दों को लेकर 2024 में आगे बढ़ा जाए। बीजेपी की मैराथन बैठक अभी शुरू हो गई है, ये ताजा अपडेट है। और आगे बढ़ते हुए खबर इंडिया अलायंस को लेकर हम करेंगे, जहां पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है ऐसी जानकारी है, और यह किसी से छिपा भी नहीं है क्योंकि वक्त वक्त पर आपसी कलह सामने आ रही है। अब खबर है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव 4थी बैठक में इस कदर नाराज हुए कि राहुल को नीतीश को मनाने के लिए फोन तक करना पड़ गया। जेडीयू के नेता नीतीश को गठबंधन का चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन खड़गे को पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश किया गया, इससे भी लालू नीतीश नाराज हो गए। अखिलेश यादव तो चुप्पी साधे रहे। सवाल अब ये कि आखिर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, सीट शेयरिंग, साझा रैलियां, संयोजक और पीएम फेस, ये वो मुद्दे हैं जिन पर सभी की सहमति होना जरूरी है। इन चुनौतियों को कैसे इंडिया अलायंस पूरा करेगा, आपसी स्वार्थ अक्सर दलों के सामने आ जाते हैं, यहाँ पर ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का विरोध जग जाहिर है, आखिर इस गठबंधन में नरेंद्र मोदी जैसे बड़े कद का सामना करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा चुना जाना, क्या वाकई मजबूती इस गठबंधन को मिल पाएगी। विधानसभा में तो दोस्ती दिखी नहीं, लोकसभा में क्या होगा, आपको याद होगा जब विधानसभा चुनावों के दौरान कमलनाथ और अखिलेश की टसल सामने आ गई थी, जब वहां पर मनमुटाव सामने आया था, वैसे में 2024 में सभी साथ कैसे चलेंगे, हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जेडीयू के विधायक के इस बयान को आपको सुनना चाहिए, जो कि इंडिया अलायंस में एकता और खड़गे के प्रति अपना नजरिया बता रहे हैं, कितना सम्मान है, समझिए जरा, सुनिए। इंडिया आज इंडिया गठबंधन जो नाम पड़ा, नीतीश कुमार ने संयोजक का काम किया, सारे लीडरों को, जितना क्षेत्रीय लीडर था सबको इकट्ठा किया, बार बार बैठक करवाने का कोशिश किया और बैठक हुई। अब जहाँ तक सवाल है, ये सब जो बात उठती है, तो ये बात नहीं उठना चाहिए, ये जो उठ रही है
अभी तो इनका नीतीश कुमार का चेहरा है, निर्विवादित है, सब कुछ है, इनको ही प्राइम मिनिस्टर चुनना चाहिए। देखिए खड़गे, एक तो हम एक ही बात कहते हैं, कांग्रेस के खिलाफ में लोगों ने, आम पब्लिक ने, इसलिए महंगाई था, महंगाई के खिलाफ में ये भाजपा को लाया, आदर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, फिर उसका कहीं पहचान है? जो धंधा करते आया वही धंधा करेगा वो? नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस पर विश्वास रखने लायक है ही नहीं, उनके ही विरोध में भाजपा को लाया गया। अब भाजपा ने महंगाई को चरम सीमा पर ले दिया, इन्होंने तो और खत्म कर दिया सब कुछ कर दिया, तो अब उसी को क्यों चुना जाएगा? किसी नए चेहरा को चुनना चाहिए। तक नीतीश जी, लालू जी, राहुल गांधी जी, चूंकि सब इंडिया गठबंधन के नेता हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, इस बात को बतंगड़ बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले तो ये बताएं कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी में कब बात होगी, कब नरेंद्र मोदी या नितिन गडकरी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, ये तो स्पष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी दूसरे के घरों में देखने से पहले अपने घरों को देख लेती तो बेहतर होता, चूँकि देश और देश की जो राजनीति चल रही है वो आम जनों के विरोध में चल रही है, नौजवानों के रोजगार के विरोध में चल रही है, नफरत फैलाने वाली राजनीति चल रही है, दो देश के लिए किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नीतीश जी बिल्कुल नाराज नहीं है, नीतीश जी तो शुरू किया सारे लोगों को इकट्ठा करना, नीतीश जी क्यों नाराज होंगे भाई, तो सबसे बात करते रहते हैं, कौन नई बात है। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं, और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। आज इंडिया अलायंस के सभी नेता यहां पर आए, अपनी बात रखे, इसीलिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना, जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बीड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 MPs को इन्होंने बाहर निकाला, कोई कुछ नहीं बोला। विपक्ष के जरिए इकट्ठा होकर आज देशव्यापी प्रदर्शन किया गया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े चेहरों को आपने सुना, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और अब राहुल गांधी के, चूंकि नीतीश कुमार को फोन करने की भी खबर है। अरविंद सर, आज लालू यादव, नीतीश कुमार की नाराजगी की जो खबरें थी, क्या उन पर फुल स्टॉप लग गया है जब राहुल ने ये कहा कि हम सभी साथ हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और क्या यही कंफर्म करने के लिए कॉल नीतीश कुमार को किया होगा, या फिर खबर ऐसी भी है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर हो सकता है नीतीश से बात हुई हो, आपको क्या लगता है? नहीं, सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिस किस्म की नाराजगी नीतीश और लालू दोनों की दिखाई देती है, उसके बाद ये एक नेचुरल रिएक्शन है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, और ये बात बार बार उठेगी। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन में कोई ऐसा गठबंधन आइडियोलॉजी से या इससे अभी बना नहीं है, तो और बल्कि परस्पर विरोधी पार्टियां हैं, जैसे बंगाल में लेफ्ट भी है, कांग्रेस भी है, तृणमूल कांग्रेस भी, तो सीटों के शेयरिंग से लेके चुनाव होने तक इस किस्म के झगड़े आते रहेंगे। असली इनका टेस्ट ये है कि ये झगड़े को कैसे निपटा पाते। नीतीश कुमार हर्ट फील कर रहे होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बार कम पूछ हुई है,
और इसी बार ही नहीं पूछ हुई है, चुनाव के दौरान भी इंडिया गठबंधन नामक कोई चीज है ये बात कहीं सुनाई नहीं थी, लेकिन उसके पहले से ये शुरू हो गया है। जैसे इंडिया नाम ही रखना जो है वो नीतीश जी उसके पक्ष में तब नहीं थे, ये ममता जी का दिया हुआ नाम, उससे भी जाता नीतीश कुमार जातिवार जनगणना के सवाल को निस्तल बनाना चाहते, पॉसिबली वो अब भी ये चाहते हो क्योंकि बिहार में वो जबरदस्त हिट फॉर्मूला है, लेकिन पूरे मुल्क में कैसा हिट है ये दिख गया तीन राज्यों के चुनाव में, उसकी क्या दुर्गति हुई इस सवाल की वो बहुत साफ दिखाई दे दिया। तो इसलिए जाति खाली मंत्र नाम ले लेने से जनगणना से वो कुछ उसके पीछे पॉलिटिक्स होती है, उसके पीछे काम करना होता है, और ठीक यही बात बीजेपी के लिए है कि वो कह दे कि जाति नहीं है या हमने जाति के पला जाति के इसको बना दिया चीफ मिनिस्टर तो वो सवाल कट जाएगा, ये भी नहीं है, ये इतना हल्का मसला नहीं है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन कर रहा है कि जातिवाद जनगणना ही मुल्क में सब अगड़ा पिछड़ा करा देगी और बीजेपी को मार्जिनलाइज कर देगी, इस किस्म के फॉर्मूलों से चुनाव लड़ना भी पॉसिबल नहीं है और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाना तो और भी मुश्किल है। यानी अगर हम बीजेपी में बड़े चेहरे को देखें तो नाम आता है नरेंद्र मोदी, अगर हम सबसे बड़ा चेहरा देखें नाम आता है नरेंद्र मोदी, यानी कि एक पार्टी और एक नेता एक तरह के बोल। अजीत जी, विपक्ष में हम वही देखते हैं, अलग अलग दल हैं, अलग अलग चेहरे हैं, अलग अलग बोल हैं, यानी कि मुकाबला कहीं से कहीं तक हो नहीं सकता। वो कहावत याद आती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, यहाँ सबको साथ लेकर चलना बड़ी टेढ़ी खीर साबित होगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहावत आपने बोली है। देखिए बंगाल का मामला देखिए, बिहार का मामला देखिए, उत्तर प्रदेश का मामला देखिए, दिल्ली का देखिए, पंजाब का देखिए, सब जगह कांग्रेस फंसी पड़ी है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी कल की बनी हुई पार्टी जिसको कि कांग्रेस ने ताकत दी, वो कांग्रेस को कहती है हमारे हिसाब से चलो। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से टूट कर बनी टीएमसी कहती है हमारे हिसाब से चलो, हम जितनी सीटें दें उतने देंगे। बिहार में लालू और नीतीश एक होने के साथ कांग्रेस का वहां कोई वजूद नहीं है, कांग्रेस ने चुनाव लड़के भी देख लिया वहां पे, वो तो केवल इन दोनों नेताओं के सहारे वहां पर कांग्रेस का वजूद बना हुआ है। डीएमके जो सबसे पुराना गठबंधन है कांग्रेस का, वो तक इनको कितनी सीट देगा ये कांग्रेस भी जानती है, एक मिले दो मिले तीन मिले इससे ज्यादा एक दो से ज्यादा नहीं मिलेगी। और इससे सबसे पुराना अभी सोनिया जी के बगल में बैठे थे शरद पवार साहब, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को दोनों उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी कितनी सीटें देंगी वो कांग्रेस वहां पर वहां के कांग्रेसी बहुत टेंशन में है, वो कहते हैं कि अच्छा हो कि हम अलग लड़ें या किसी और पार्टी में चले जाएं क्योंकि दो चार से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 90 के दशक के बाद से कांग्रेस ने अकेले लड़ाई लड़ना छोड़ दिया है, वो बैसाखियां तलाशती है और इस बैसाखियों के तलाशने के चक्कर में आज कांग्रेस गर्त में चली गई है। हर जगह बैसाखी कांग्रेस को चाहिए, 2004 में 145 सीट लेकर अगर वो सरकार नहीं बनाती शायद आज कांग्रेस की यह हालत नहीं होती। अब स्थिति यह है कांग्रेस की, वो किसी तरीके से चाह रही है कि भाई 2004 की तरह एक भानुमती का कुनबा टूट जाए, किसी तरीके से हमारी 125-25 सीटें आ जाए, बाकी जो तमाम दल हैं वो अपना दो दो चार चार पांच सीटें लाए, हमको पीएम पद हमको दे दें। मैं फिर कह रहा हूँ पीएम पद झगड़ा मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, कोई सूत ना कपास, हवा में लठम लट है। अभी तो जब चुनाव होंगे परिणाम आएंगे बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा तब प्रधानमंत्री के पद का झगड़ा है, इनका झगड़ा अभी से शुरू हो गया है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वो 2017 में भी चाहते थे कि 2019 में उनको चेहरा बनाया जाए, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर फिर बीजेपी में चले गए। अब इस बार वो उम्मीद कर रहे थे कि शायद मेरे को ये लोग डर के मारे कमजोर होने के कारण कांग्रेस मेरे को एकदम चेहरा बना देगी, लेकिन कांग्रेस इसी कीमत पर नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं मानेगी कि 138 साल पुरानी पार्टी है, वो उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन वो कहेगी नीतीश कुमार हमारे नेता है, वो किसी कीमत पर नहीं होने वाला। और नीतीश के लिए यही संकट है कि अगर वो फिर इस बार भी चूक जाते हैं तो वो फिर उनको कोई फायदा नहीं है महागठबंधन में रह के, इससे बढ़िया तो बीजेपी में ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अगर अकेले अपने दम पर कुछ करने की सोचे, कोई लड़ाई लड़ने की सोचे, कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को, कोई बात नहीं, हारेगी। हारना तो वैसे भी अभी जो माहौल है दिख रहा है, जो सारी चीजें हैं परिस्थितियां हैं
वो केवल एक सम्मानजनक स्थिति बचाने की हो रही है विपक्ष की, किसी तरीके से एक सम्मानजनक स्थिति बन जाए। जहां तक बात नाराजगी की आपने की है, अभी तो 2024 की तैयारियों के तौर पर हम पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव में ये टसल कैसे देखने को मिली, या फिर अगर हम राज्यों की बात कर ले तो राज्यों में ही ये पार्टियां एक दूसरे के विरोध में खड़ी हुई नजर आती हैं। अब 2024 में कहें कि भाई केंद्र का चुनाव है, सभी साथ में आ जाइए, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता नहीं। इस बीच पटना से शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं। शक्ति, अभी मुश्किल से हफ्ता या 10 दिन पुरानी एक तस्वीर थी जो सोशल मीडिया पर मैंने देखी, जहां पर नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और वहां पर जो लोग थे वो नारा लगा रहे थे, देश का नेता कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो, देश का पीएम कैसा हो नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार बिल्कुल मन मुताबिक उनकी बात हो गई, चेहरा एकदम खिल गया, लेकिन यहां जब विपक्षी गठबंधन का चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया गया, कहीं यही तो नाराजगी नहीं है जिसकी वजह से राहुल गांधी ने फोन किया? बिल्कुल, देखिए कुमार ने जब पहली बार जब पटना में बैठक हुई थी जो विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की, उस दौरान नीतीश कुमार का कद जो है काफी बड़ा था। नीतीश कुमार ने तमाम पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर लाने की कवायद की थी और सबसे पहले इसमें वो सफल भी हुए थे। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो बैठक दिल्ली में हुई है, उस बैठक में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का जो कद है वो कुछ ऐसे जो पीछे घटनाएं घटी है जिससे नीतीश कुमार ने विधानसभा महिलाओं को लेकर जो विवादित बयान दिया था और दलितों को लेकर जिससे माझी को उन्होंने कहा था, उसके बाद से इंडिया गठबंधन में भी उनका जो कद है कहीं ना कहीं और जो पार्टियां हैं, जो चाहे बात करें ममता बनर्जी की या फिर क्षेत्रीय दल अखिलेश यादव की या बात करें तमाम जो दल के नेता, उनसे कहीं ना कहीं कम हुआ है। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी ने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आना, लालू नीतीश की नाराजगी हो जाना, लालू चाहते हैं नीतीश केंद्र में जाएं ताकि उनके बेटे तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता संभालें, अब ये दूर के ख्वाब नजर आते हैं क्योंकि हालात पलट चुके हैं। फोन पर बात क्या हुई है ये दो नेता बेहतर जानते होंगे, अभी सिर्फ कयास लग रहे हैं। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। राहुल गांधी अक्सर बयान देकर घिर जाते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने कुछ बयान दिए जिन्हें लेकर एक बार फिर से सवाल कई तरीके के उठ रहे हैं। संसद में सुरक्षा चूक को लेकर उन्होंने बेरोजगारी से जोड़ दिया, इसी तरह आप सबको मालूम है कि कैसे पीएम सरनेम वाला बयान दिया, घिर गए, सांसद ही तक उनकी चली गई, इसी तरह इन्होंने चौकीदार चोर भी कह दिया और अब 2019 में लोकसभा चुनाव हार बैठे। कभी इन्होंने कहा कि गांधी को आरएसएस ने मारा, इसी तरह मेक इन इंडिया नहीं रेप इन इंडिया इन्होंने कहा। जनता ने इनके बयानों को जिस तरीके से सिरे से नकार दिया है उसकी हम वानगी देख भी रहे हैं पिछले कुछ चुनावों में कांग्रेस को जिस तरीके के नतीजे मिलते हैं। एक बार पहले सुन लेते हैं राहुल ने क्या कहा। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी, उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। शीतकालीन सत्र जिस तरीके से हंगामेदार रहा हमने देखा, पहले महुआ मोहित्रा, फिर संसद में सुरक्षा को चूक को लेकर मामला उठा, फिर वेल में पहुंच जाना, फिर हंगामा करना, फिर एक एक करके 146 सांसदों का निष्कासन और फिर सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ही राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना। एके मिश्रा, जिससे पहले हम बात कर रहे थे कि अलग अलग पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात तो कर रही हैं, एक तरफ बीजेपी है जो मजबूती के साथ सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे में अगर विधानसभा चुनावों में इतनी खटपट है तो केंद्र का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? साथ ही वो चेहरा कौन सा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या वो मजबूत चेहरा नजर आते हैं, या फिर अगर राहुल गांधी को सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखें तो उनके बयान उन्हें मुश्किल में बड़ा जल्दी डाल देते हैं। अपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जो बोला वो सही है, विपक्ष के लिए मौका तो बहुत अच्छा है, इसके पहले भी मौके अच्छे थे। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक अनार सौ बीमार, आपस का जो इनका स्वार्थ है, आप ये देखिए कि एक तरफ तो राजनीति ये चल रही है कि हमें मोदी जी से टक्कर लेना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन सारी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के आपस में भी राजनीति कर रही है, यानी अलायंस में इंटरनल राजनीति है, हमें इतनी सीटें मिलेगी, हमें वहां मिले, हमें यहां मिले, तो इस तरीके से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। अगर ये बनेगा भी तो नाम मात्र का ये बन जाएगा,
इनकी ऊर्जा ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी, समय बहुत कम है। जिस हिसाब से इनकी राइवल पार्टी है यानी बीजेपी इनकी राइवल पार्टी है, जितनी ताकत से संगठित होकर वो काम कर रही है उसके अपेक्षा ये लोग उतने संगठित हो नहीं पाएंगे, तो परिणाम भी उतने अच्छे नहीं आएंगे जो ये लोग प्लान कर रहे हैं। अभी इनका कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। खड़गे जी को इन्होंने चेहरा बनाया, वो सर्वमान्य चेहरे हैं सभी दल के तरफ से, है कि कांग्रेस के केवल अकेले चेहरे हैं, पब्लिक में मान्यता है, पब्लिक ने डिमांड की है कि नहीं की। मुद्दे क्या होंगे इनके, मुद्दे एक लाइन में बोल देंगे, जो बीजेपी का मुद्दा है उसके खिलाफ सारे मुद्दे हमारे मुद्दे हैं। तो 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं है कि आप हाथ को हवा में घुमाते हुए जादू मंत्र टोना करिए और आप जीत जाएंगे। बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा ये है, उसके लिए बहुत संगठित तरीके से काम करना पड़ेगा, जो कि अभी मुझे अलायंस में नहीं दिखता है। यानी आप कह रहे हैं कि वक्त रहते अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारा या फिर एकजुटता नहीं दिखाई तो 2024 फिर एक तरफा ही समझिए चुनाव बीजेपी के लिए आसान रहेगा और विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल रहने वाला है। बहुत शुक्रिया अजीत मंदोला जी, AK मिश्रा जी, अरविंद मोहन सर भी हमारे साथ जुड़े थे, अरविंद जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 2024 की लड़ाई मजबूती से बीजेपी आगे बढ़ रही है, लेकिन उधर इंडिया अलायंस क्या अपनी कोशिशों में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि वादे तो अपने अपने हो सकते हैं सभी के जरिए, लेकिन जनता जिस पर भरोसा करेगी वही होगा 2024 का सिकंदर। कौन होगा अनुमान आप भी लगाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर।